हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राखी और राखी की रसोई में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन पे ऑन करें। आज हम बनाएंगे एक स्वीट डिश। तो आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा। जब भी कभी स्वीट खाने का मन होता है या फिर प्रसाद बनाना होता है तो हम सूजी का हलवा बनाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी परफेक्ट सूजी का हलवा, एकदम दानेदार और बहुत टेस्टी। तो देखते हैं सूजी का हलवा बनाने के लिए हमें क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सूजी का हलवा बनाने के लिए 1 कटोरी मैंने सूजी ली है, 1 कटोरी लिया है देसी घी और 1 कटोरी चीनी ली है। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और यहाँ पे मैंने लिया है दूध। इससे काफी सॉफ्ट हलवा बनेगा और काफी टेस्टी बनेगा। और ये दूध मैंने लिया है, जैसे 1 कटोरी मैंने सूजी ली है तो 3 कटोरी मैंने दूध लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूजी का हलवा बनाना। गैस पे हमने एक कढ़ाई रख ली है, अब हम गैस ऑन कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और ये घी ऐड कर देंगे कढ़ाई में। घी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब हम गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और ये सूजी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे। और सूजी को हम स्लो फ्लेम पे चलाते हुए कलर चेंज होने तक अच्छे से भूंज लेंगे और इसको हमें कंटिन्यू चलाते रहना है जब तक इसका अच्छे से कलर चेंज ना हो जाए और ये अच्छे से भुंज ना जाए। तो ये देखिए, चलाते हुए सूजी को हम अच्छे से भूंज रहे हैं, इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। इसको हम थोड़ी देर और भूंजेंगे। सूजी को हमने अच्छे से भूंज लिया है और इसका देखिए कलर भी चेंज हो गया है और इसमें घी भी देखिए स्प्रेड हो गया है। तो ये सूजी हमारी अच्छे से भूंज गई है। अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे और धीरे धीरे से हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। दूध हमने ऐड कर दिया है, अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे। सूजी और दूध को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें ये चीनी ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो देखिए, रवा अच्छे से फूल गया है, दूध चीनी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है और ये गाढ़ा हो गया है। इसको हम कंटिन्यू चलाते हुए थोड़ा और गाढ़ा कर लेंगे। तो इसको हम 7 से 10 मिनट तक अच्छे से चलाएंगे। सूजी का हलवा हमारा रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये कितना दानेदार बना है, कितना अच्छा बना है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। और इस ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से हलवे में मिक्स कर लेंगे। सूजी का हलवा बनके हमारा रेडी हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। सूजी के हलवे को मैंने यहाँ एक सर्विंग प्लेट में सर्व कर लिया है। सूजी का हलवा खाने के लिए रेडी हो गया है। तो आपका जब भी मन करे आप इसी तरीके से सूजी का हलवा बनाएं। अगर आपके घर में कोई कथा है तब भी, पूजा है तब भी आप ये हलवा बना सकते हैं और ये काफी टेस्टी होता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।